मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने जिलाधिकारियों को दिए निर्देश, कहा अधिकारी अपनी जिम्मेदारी समझे, जल्द दे अपने कामों को अंजाम। कुंभ के दौरान हरिद्वार में हुए कोरोना टेस्ट घोटाले में एसआईटी उठाएगी पर्दा, जांच टीम हरिद्वार से दिल्ली और हरिद्वार के साथ ही हरियाणा के लिए रवाना। कोरोना टेस्ट घोटाले के लिए एसआईटी के गठन पर उठे सवाल, पूर्व सीएम और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने की न्यायिक जांच की मांग। गंगा दशहरा और निर्जला एकादशी पर होने वाला स्नान हुआ निरस्त, हरिद्वार पुलिस ने दी जानकारी, स्नान निरस्त होने की दी जानकारी। उत्तराखंड के टिहरी में हुआ जबरदस्त भूस्खलन, भूस्खलन के कारण नेशनल हाईवे हुआ बंद, अलकनंदा नदी में पानी का स्तर खतरे के निशान से ऊपर। नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है। आप उत्तराखंड में, रुक करते हैं खबरों का। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने शुक्रवार को नैनीताल और उधम सिंह नगर जिले के लिए की गई घोषणाओं की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि अधिकारी अपनी जिम्मेदारी समझते हुए तेजी से इन घोषणाओं को धरातल पर उतारे। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि यूटिलिटी शिफ्टिंग के कारण सड़कों के निर्माण में देरी न हो, इसके लिए प्रभावी कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि वन भूमि हस्तांतरण के कारण लंबित योजनाओं के कामों में तेजी लाएं, इसके लिए भी केंद्र सरकार से समन्वय स्थापित किया जाए। जन समस्याओं के समाधान और जन सुविधाओं के विकास में विभागीय अधिकारियों को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। मुख्यमंत्री ने रामनगर में बहुमंजिला पार्किंग निर्माण, पेयजल योजनाओं, नलकूपों, ओवरहेड टैंकों, मिनी स्टेडियम, बस स्टेशन के निर्माण, नहरों को कवर करने, विभिन्न आंतरिक सड़कों के निर्माण में तेजी लाने के निर्देश दिए। भीमताल में भी पार्किंग निर्माण, विभिन्न अस्पतालों में एक्सरे और अल्ट्रासाउंड मशीन की व्यवस्था करने, भीमताल सात ताल और इसके साथ ही आपको ये भी बताते चले और भी जगहों पर सौंदर्यीकरण के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। काला ढूंगी के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में 5 नलकूपों के निर्माण और पूर्व में निर्मित नलकूपों में वोल्टेज स्टेबलाइजर की व्यवस्था करने की स्वीकृति दी गई है। तो वहीं कुंभ में फर्जी कोरोना टेस्टिंग पर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने इस पर एसआईटी का गठन किया है, हालांकि मैं इसकी न्यायिक जांच चाहता था। ये बात उन्होंने कही, साथ में उन्होंने कहा कि ये अंतरराज्य मामला है क्योंकि एसआईटी में छोटे श्रेणी के अफसर होते हैं, इसलिए लोग ये शक कर सकते हैं कि जांच सही होगी या नहीं होगी। पूर्व मुख्यमंत्री रावत ने कहा कि हरिद्वार कुंभ मेले के दौरान होने वाले फेक कोरोना टेस्टिंग हत्या के प्रयास के अपराध में के समान है। इसके साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने इस मामले में न्यायिक जांच के आदेश देने की बात कही, साथ ही कहा कि लोगों को यह भी बताना चाहिए कि यह घोटाला कब हुआ। आपको बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर के बीच हरिद्वार में महाकुंभ का आयोजन 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल के बीच किया गया था। इस दौरान जाली नंबरों और पतों के साथ करीब 1,00,000 कोरोना टेस्ट नकली निकले। कुंभ मेला स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना टेस्टिंग के लिए हरिद्वार, देहरादून, रुड़की, हरिद्वाणा सहित 11 लैब को सूचीबद्ध किया था। इनमें से हरियाणा की 2 प्राइवेट लैब ने कुंभ मेले के आयोजन के दौरान 1,00,000 से ज्यादा रैपिड एंटीजन टेस्ट किए थे। इनमें से अधिकतर टेस्ट निगेटिव निकले थे। मेरा एक कहना है कि ये केवल आर्थिक घोटाला के रूप में इसको नहीं देखा जाना चाहिए। यह आर्थिक घोटाला नहीं है और जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें भी डिसास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अधीन भी ये मुकदमा दर्ज किया गया है, जो बहुत ज़रूरी था क्योंकि ये आपराधिक भ्रष्टाचार है। आपराधिक इन द सेंस कि महामारी है और महामारी के दौरान हमने लोगों को नेगेटिव सर्टिफिकेट दे दिए और उससे ज़्यादा चिंता की बात यह है कि जिनका टेस्ट ही नहीं हुआ है उनको फर्जी तरीके से उनके मोबाइल के नंबरों के आधार पर कहीं से डाटा चुरा कर या ला करके उनको फर्जी नेगेटिव सर्टिफिकेट दे दिए गए।
जो कि एक संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है। कुंभ के दौरान हुए फर्जी कोरोना जांच पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पूरा घोटाला बीजेपी सरकार के संरक्षण में हुआ, मामले की न्यायिक जांच होनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार देश भर में कोरोना महामारी फैलाने और अकाल मौतों के लिए जिम्मेदार है। इसके अलावा क्या कुछ कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा, आइए सुनते हैं। ये जो कोरोना टेस्टिंग में अनियमितता हुई है उससे 3 नुकसान देश और प्रदेश को हुए हैं। पहला नुकसान तो ये हुआ कि पूरे देश के अंदर कोरोना की महामारी है, कुंभ में टेस्टिंग सही ना होने की वजह से फैली है और लाखों लोगों की अकाल मृत्यु हुई है। उन लोगों की अकाल मृत्यु के लिए उत्तराखंड सरकार जिम्मेदार है। और तीसरा जो आर्थिक नुकसान हुआ है, जो भ्रष्टाचार हुआ है, वो सीधे सीधे सरकार के संरक्षण में हुआ। जिन अधिकारियों को ये दायित्व सौंपा गया था उन अधिकारियों को ये देखना चाहिए था कि जिस एजेंसी को आपने कोरोना टेस्टिंग के लिए नियुक्त किया है वो एजेंसी जो है अपनी क्षमता से ज़्यादा कहीं टेस्टिंग तो नहीं कर रही। सरकार तो सोई रही और जो कुछ हुआ वो सरकार के देखरेख में हुआ। सरकार ने इस बड़े भ्रष्टाचार को जो है अंजाम देने का काम किया है, इसलिए हम मांग करते हैं कि हाईकोर्ट। तो वहीं हरिद्वार महाकुंभ के दौरान किए गए कोरोना टेस्ट में घोटाले की जांच के लिए विशेष जांच दल यानी कि SIT का गठन किया गया है। SIT ने जांच शुरू करते हुए पहले ही दिन हरिद्वार के CMO डॉक्टर SK झा से 1 घंटे तक पूछताछ की। हरिद्वार के SSP सेंथिल अवदई कृष्णराज एस ने कोरोना टेस्ट घोटाले की जांच के लिए शुक्रवार को SIT गठित कर दी है। बीते गुरुवार को कोरोना जांच में घोटाले के आरोप में शहर कोतवाली में मैक्स कॉर्पोरेट सर्विस, नालवा लेबोरेटरीज और दिल्ली की डॉक्टर लाल चांदनी लैब के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। SSP ने बताया कि SIT SP सिटी कमलेश उपाध्याय की सुपरविजन में काम करेगी। टीम ने जांच शुरू कर दिया है। SIT ने शुक्रवार को हरिद्वार के CMO डॉक्टर SK झा से 1 घंटे पूछताछ की। उनके बयान भी दर्ज किए गए हैं। पुलिस सूत्रों की माने तो घोटाले को लेकर स्वास्थ्य विभाग से जुड़े कई सवाल CMO से पूछे गए जिनके जवाब अभी तक किसी के पास नहीं है। खबरों के मुताबिक बताया जा रहा है कि कोरोना जांच घोटाले में आरोपी मैक्स फर्म के लैब पर केस दर्ज होने के बाद अब जांच टीम जल्द ही इनके ठिकानों पर दबिश दे सकती है। माना जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में जांच टीम हरिद्वार से दिल्ली और हरियाणा के लिए रवाना हो सकती है। प्रदेश में कोरोना टीकाकरण की रफ्तार काफी धीमी है। रोजाना करीब 35,000 लोगों की वैक्सीन लगाई जा रही है। अगर टीकाकरण की गति नहीं बढ़ाई गई तो ऐसी ही स्थिति रही तो लोगों को पहली डोज लगाने में ही 7 महीने लग सकते हैं। वहीं टीके की दोनों डोज यानी कि फुल वैक्सीनेशन करने में लगभग 10 महीने का समय लग सकता है। स्वास्थ्य विभाग के हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक प्रदेश में करीब 25 लाख लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लगाई जा चुकी है जबकि 6 लाख लोगों को दोनों डोज लगाई जा चुकी है। इसमें 45 साल से ऊपर वाले 19 लाख को पहली डोज और 5 लाख को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है जबकि 10 मई से शुरू हुए 18 से 44 साल वाले 6 लाख लोगों को पहली डोज लगाई गई है। वहीं 23,000 को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। इन दोनों औसतन 35,000 लोगों को रोजाना वैक्सीन लगाई जा रही है। ऐसे में महीने की बात करें तो 10.5 लाख लोगों को वैक्सीन लग पाएगी। उत्तराखंड की कुल आबादी करीब 1,11,00,000 है। अभी 24 लाख को पहली और 5 लाख को दूसरी डोज लगी है। ऐसे में 71 लाख लोग बाकी हैं। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 222 नए मामले सामने आए। वहीं 4 मरीजों की मौत हो गई। इसके अलावा आज 451 मरीजों को ठीक होने के बाद घर भेज दिया गया। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बुलेटिन के मुताबिक शुक्रवार को 26,872 सैंपलों की जांच रिपोर्ट निगेटिव आई है। वहीं अल्मोड़ा में 17, बागेश्वर में 3, चमोली में 7, चंपावत में 8, देहरादून में 63, हरिद्वार में 46, नैनीताल में 14, पौड़ी में 14, पिथौरागढ़ में 14, रुद्रप्रयाग में 12, टिहरी में 11, उधम सिंह नगर में 10 और उत्तरकाशी में 3 मामले सामने आए हैं। प्रदेश में अब तक कोरोना के कुल मामलों की संख्या 3,38,288 पहुंच चुकी है। इसमें से 3,22,258 लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 3,231 पर पहुंच चुकी है। राज्य में कोरोना के चलते अब तक कुल 7,017 लोगों की जान जा चुकी है। कोरोना के अलावा बात करें तो ब्लैक फंगस की तो प्रदेश में शुक्रवार को ब्लैक फंगस के 10 और मरीज मिले हैं। देहरादून और नैनीताल जिले में पाए गए मरीजों में ब्लैक फंगस की पुष्टि हुई है। अब ब्लैक फंगस के कुल मरीजों की संख्या 433 हो चुकी है जबकि 73 की मौत हो चुकी है।
तो वहीं उत्तराखंड में पिछले 36 घंटों से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। लगातार हो रही बारिश की वजह से तमाम नदियों के साथ ही गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर जा चुका है। ऊपरी पहाड़ी जिलों में लगातार बारिश का सिलसिला बना हुआ है, तो वहीं निचले इलाकों में प्रशासन की ओर से गंगा और नदियों के किनारे रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है। गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। मौसम विभाग ने आने वाले 3 दिनों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। ऋषिकेश में प्रशासन की ओर से मुनादी कर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की जा रही है। वहीं ऋषिकेश में पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश के कारण गंगा में सिल्ट की मात्रा काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, जिसके चलते चीला जल विद्युत परियोजनाओं की टरबाइन जाम हो चुकी है। चीला शक्ति नहर को बीती रात से बंद कर दिया गया है, जिसके चीला जल विद्युत परियोजना में बिजली उत्पादन का कार्य बंद हो चुका है। चीला शक्ति नहर को खोले जाने पर ही विद्युत उत्पादन शुरू हो पाएगा। विद्युत उत्पादन ठप होने से सरकार को लाखों रुपए की राजस्व की हानि हो रही है। देवभूमि उत्तराखंड में भारी बारिश के कारण अलकनंदा नदी का जलस्तर काफी ज्यादा बढ़ चुका है, जिससे निचले इलाकों में पानी भर चुका है। आपको बता दें कि श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल के कई निचले इलाके में पानी भरने से लोगों की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। मॉनसून आते ही उत्तराखंड से डराने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। उफनती लहरें सिरहन पैदा कर रही हैं। आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। पिथौरागढ़ में लगातार हो रही बारिश की वजह से नाले रौद्र रूप धारण करने लगे हैं। धौली नदी भी उफान पर है। पिथौरागढ़ जिले में पिछले एक सप्ताह से लगातार बारिश हो रही है। उधर पिथौरागढ़ की काली नदी भी उफान पर है। उफनती लहरों को देखते हुए आसपास के गांव में रह रहे लोगों के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। किसी तरह के हालात से निपटने के लिए स्थानीय प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। नदी के किनारे जाने और उस पर बने पुलों पर आवाजाही पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। पिथौरागढ़ ही नहीं बल्कि उत्तराखंड के चमोली से भी डराने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। लगातार हो रही बारिश की वजह से उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में इस तरह की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। कई जगहों पर हो रही लैंडस्लाइड की वजह से लोगों को मुश्किलें लगातार उनकी बढ़ती जा रही हैं। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश से लोगों को उनका जो आम जनजीवन है वो पूरी तरीके से बर्बाद होता नजर आ रहा है। लगातार हो रही बारिश से कई नदियों में पानी खतरे के निशान से ऊपर जा चुका है। आलम यह है कि उत्तराखंड के चंपावत में शारदा नदी में लगातार पानी बढ़ता जा रहा है। जहां पर कुछ जगहों पर लोगों के फंसे होने की जानकारी मिल रही है, तो वहीं बढ़ते पानी को देखकर लोगों में डर देखने को मिल रहा है। और ऐसे में लोगों ने प्रशासन से गुहार लगाई है कि उनके लिए कहीं दूसरी जगह पर व्यवस्था की जाए। तो वहीं प्रशासन भी लगातार बढ़ते पानी के खतरे को देखते हुए मुस्तैद हो चुका है। प्रशासनिक अधिकारी नदी के आसपास के इलाकों को नदी से दूर रहने के लिए लोगों से अपील कर रहे हैं, और जहां जहां पर पानी तेजी से बढ़ता नजर आ रहा है उन इलाकों के लोगों को दूसरी जगहों पर शिफ्ट किया जा रहा है। चंपावत के SDM हिमांशु कपालिया ने कहा कि पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बारिश से पानी बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि लोगों को यहां से हटाकर दूसरी जगहों पर यानी कि धर्मशालाओं में भेजने की तैयारी की जा रही है। इसके बाद सभी नदियों का और खासतौर से शारदा का जो लेवल है वो काफ़ी बढ़ चुका है। इसमें जिला स्तर पर जिला प्रशासन द्वारा पहली अलर्ट जारी कर दिया गया था, और अभी हमारे द्वारा जो लो लाइन एरियाज में जो शारदा के आसपास लोग रहते हैं उन्हें इवैक्यूएट करके अलग अलग यहाँ की धर्मशालाएं हैं उनमें ले जाने का प्लान तैयार किया गया है। जैसे ही लेवल और थोड़ा ऊपर बढ़ता है इनको यहाँ से इवैक्यूएट करके जो पंचमी की धर्मशाला है वहाँ शिफ्ट किया जाएगा। इसके साथ ही साथ जो NHPC के सारे गेट हैं वो खोल दिए गए हैं डैम के, और बनबसा बैराज के भी सारे गेट खोल दिए गए हैं। लेकिन अभी जो जल स्तर है वो बढ़ता चला जा रहा है और प्रशासन जो है वो पूरी तरीके से अलर्ट मोड है। जब शारदा आज तो देख ही रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं इस चीज़ को कि शारदा नदी उफान से ऊपर बह रही है। हमें अभी भी डर लग रहा है कि हमारा क्या नाम ऐसा ना हो कि हम घर से फिर बेघर हो जाएं। बड़ी मुश्किल से क्या नाम 2013 के बाद अब जाके हमने थोड़ा सा संतुलन पाया है। अभी तक हम इधर उधर भटक रहे थे, अब जाके हमारी यहाँ पर 50-60 परिवार रहती है शारदा घाट पर। तो हम तो इस सरकार से इतनी ही उम्मीद चाहते हैं कि यहाँ से हटा के हमें कहीं और जगह मुहैया करवा दी जाए, हम वहाँ रह लेंगे। तो वहीं उत्तराखंड के हरिद्वार में हुई बुजुर्ग महिला की हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा किया है। 80 साल की महिला के घर में घुसकर उसके हाथ पैर और मुंह बांधकर लूटपाट करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मुंह बंद करने से दम घुटने से महिला की मौत हो गई थी। वहीं घटना में शामिल चौथा आरोपी अभी भी फरार है। पुलिस ने घर से चुराए सामान और घटना में इस्तेमाल की गई साइकिल भी बरामद की है। कनकल थाना क्षेत्र के भागीरथ बिहार कॉलोनी निवासी 80 साल की बुजुर्ग महिला राज दुलारी का शव 21 मई को घर के अंदर ही मिला था। महिला के हाथ पैर और मुंह बंद थे और घर में सामान भी उलट पलट पड़ा था। पुलिस ने इस मामले में महिला के बेटे विनय कुमार के तहरीर पर अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने घटना का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। शुक्रवार को SPCT कमलेश उपाध्याय और COCT अभय प्रताप सिंह ने बताया कि 17 जून की रात को कनकल थाना प्रभारी कमल कुमार लंठी गश्त पर थे, इसी दौरान आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।
हमें या फिर और अपराध जो अपराधी आए थे उन सभी का वेरिफिकेशन वगैरह इसमें किया गया। इसमें कल थाना कनखल को इसमें सफलता मिली है। इसमें हमने 3 अभियुक्तों को इसमें गिरफ्तार किया है और इसमें से एक अभी फरार है। इसमें से जो 2 मेन अभियुक्त हैं वो लोग मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं, थाना भोपा के, और 2 इसमें लक्सर के रहने वाले हैं। इन सभी का और इस बीच रुकेंगे छोटे से ब्रेक लिए, जल्द हाजिर होते हैं। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करते हैं बाकी खबरों का। हरिद्वार में गंगा दशहरा और निर्जला एकादशी के अवसर पर 20 जून को और 21 जून को श्रद्धालु गंगा में स्नान नहीं कर पाएंगे। उत्तराखंड सरकार ने गंगा स्नान श्रद्धालुओं के लिए रद्द कर दी है। इस संबंध में हरिद्वार पुलिस ने जानकारी दी है। हरिद्वार पुलिस ने सोशल मीडिया के माध्यम से दूसरे राज्यों के श्रद्धालुओं से गंगा स्नान के लिए न आने की अपील की है। 20 जून को गंगा दशहरा का पर्व है, इसके साथ ही 21 जून को निर्जला एकादशी का व्रत और स्नान है। कोरोना संक्रमण कमी होने की वजह से श्रद्धालुओं की आवक लगातार बढ़ती जा रही है। इसे ध्यान में रखते हुए 20 और 21 जून को होने वाले स्नान पर्व को आम श्रद्धालुओं के लिए रद्द कर दिया गया है। SSP डी सेंथिल अब्दोई कृष्णराज एस ने बताया कि बाहरी राज्यों के श्रद्धालु 20 और 21 जून को गंगा स्नान करने के लिए हरिद्वार करने के लिए नहीं पधारे। आपको बता दें कि दोनों दिन जिले की सीमाएं सील कर दी जाएंगी और बाहरी श्रद्धालुओं को वापस भेज दिया जाएगा। जिन लोगों के पास 72 घंटे पूर्व की RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट और पंजीकरण होगा वो लोग हरिद्वार आ सकेंगे। इसके अलावा गंगा दशहरा और निर्जला एकादशी स्नान पूर्व पर हर की पौड़ी पर सांकेतिक स्नान होगा। सांकेतिक तौर पर स्नान में सिर्फ तीर्थ पुरोहित और गंगा सभा के पदाधिकारी ही स्नान कर सकेंगे। हर की पौड़ी और अन्य घाटों पर आम श्रद्धालुओं के स्नान पर रोक होगी। स्नान करते पाए जाने पर उनके खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। बारे में कल गंगा सभा का पदाधिकारी गण के साथ मीटिंग हुआ है, इसमें हमने उनसे अनुरोध किया कि कोरोना महामारी का दृष्टि का जो है इसका सांकेतिक तौर पे करने के लिए उसका जो है उन्होंने सहमत व्यक्त कर दिया है। और अभी ये गंगा स्नान जो है और इस एकादशी को बनाए और बाहरी राज्य का जो शरणार्थी है उनके लिए प्रतिबंधित रहेगा। बार रूम सील करेंगे, जो भी रिक्वायरमेंट है उसको बहुत स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट करेंगे ताकि जो है काफी भीड़ भाड़ या मिक्सिंग ना हो, ताकि जो है हम कोरोना का जो नियम है लॉकडाउन करने में उसका पालन। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश से गंगा नदियों का पानी लगातार बढ़ता जा रहा है। आलम यह है कि कई नदियों तो इस समय खतरे के निशान से ऊपर जा रही हैं। ऐसे में हरिद्वार में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन ने लोगों को जागरूक करने का काम शुरू कर दिया है। लोगों को सावधान रहने के लिए प्रशासन लगातार बोल रहा है और जिन इलाकों में ज्यादा खतरा है उन इलाकों के लोगों को राहत केंद्रों में भेजने की तैयारी की जा रही है। आपको बता दें कि प्रशासन लगातार बढ़ रहे इस खतरे पर नजरें बनाए हुए है। ये जो कि पहाड़ों पे लगातार बारिश हो रही है और अभी यहाँ भी हो रही है, तो गंगा जो जलस्तर है वो 294.30 है। यद्यपि 1-2 घंटे से स्थिर है ये, लेकिन एहतियात को लेके जो है जो हमारे तटवर्ती गांव हैं उनमें सब में जो है लगातार अनाउंसमेंट कराया जा रहा है, सुबह से ही कराया जा रहा है, सुबह 5 बजे से ही। और जो भी ऐसा लगता है कि संवेदनशील लोग हैं, जगह हैं, उन व्यक्तियों को वहाँ से हटाया जा रहा है। और पहले से भी हमारा जो किनारे जो गांव हैं उनको लेके उनको बचाने सुरक्षात्मक से हमारे जो राहत केंद्र चिन्हित हैं अगर ऐसी। तो वहीं उत्तराखंड के रामनगर बैराज से कोसी नदी में 8000 क्यूसेक पानी छोड़ दिया गया है। इससे कोसी नदी का जल स्तर बढ़ चुका है। हालांकि अभी किसी भी प्रकार के बाढ़ का खतरा नहीं है, बरसात का मौसम शुरू हो चुका है। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश हो रही है। बरसात का ये पानी बड़े बड़े जलाशयों में जमा हो रहा है, लेकिन क्षमता से ज्यादा पानी इकट्ठा होने पर अतिरिक्त पानी निकाल दिया गया। इसके तहत शुक्रवार को शाम 5 बजे रामनगर बैराज से कोसी नदी में 8000 क्यूसेक पानी को छोड़ा गया। हालांकि इससे रामपुर से बाढ़ का कोई खतरा नहीं है, लेकिन कोसी नदी का जलस्तर बढ़ना तय है। अधिशाही अभियंता सिंचाई ने बताया कि रामपुर में बाढ़ का खतरा तब होता है जब पानी कम से कम 35000 क्यूसेक या फिर उससे ज्यादा छोड़ा जाए। फिलहाल किसी तरह का कोई खतरा नहीं है।
हमें सूचना थी कि आज जो है काफ़ी बारिश होगी और उससे पानी नदी का जो बनने की पूरी संभावना है, तो हमने अपने सारे स्टाफ को अलर्ट किया हुआ था और लगभग ये ट्रेन हमारा 2 बजे से शुरू हो गया था बढ़ना, सुबह 945 था, 2 बजे लगभग 1800 हो गया था, 5 बजे हमारा 8000 पार कर चुका था, इस समय 6000 हमारा 6 बजे लगभग 11000 के आसपास हमारा स्टाफ में चल रहा है और लगातार ऊपरी हिस्से में चुकुम मोहन और ऊपर बैताल घाट की तरफ से बारिश की सूचनाएँ आ रही हैं और वहाँ से भी लगातार पानी आने की संभावना है। हमारा रात भर ये साथ यही ट्रेन चलने की उम्मीद है। अभी 3500 क्यूसेक पानी अल्मोड़ा ब्यास में छोड़ा गया है। तो वहीं उत्तराखंड के लालकुआ की गोला नदी में शुक्रवार की शाम अचानक आए तेज बहाव के कारण 2 लोग वहां पर फंस गए। आपको बताएं कि फायरमैन सर्विस और कोतवाली पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से दोनों का रेस्क्यू कर उनको बाहर निकाला। बता दें चले कि नदी में लालकुआ कोतवाली क्षेत्र के 2 ग्रामीण हेमंत भट्ट और दीपक भट्ट गोला नदी पार गए थे। उनके पार जाते ही गोला नदी का पानी तेज हो गया जिसकी वजह से दोनों ही नदी पार बने टीले पर ही फंस गए। दोनों के टीले पर फंसे होने की सूचना स्थानीय ग्रामीणों को मिली तो वो भी मौके पर पहुंचे लेकिन नदी के तेज बहाव की वजह से ग्रामीण कुछ कार्य कर नहीं पाए। वहीं धीरे धीरे अंधेरा भी काफी हो गया। इसके बाद उनके द्वारा पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने यहां की सूचना उच्च अधिकारियों को दी जिसके बाद कई घंटों की मशक्कत के बाद दोनों युवकों को बचाने में सफलता हासिल की गई। लालकुआ थाना क्षेत्र अंतर्गत जो गोला पार है, एक सूचना मिली कि 2 व्यक्ति गोला नदी के उफान में फंस गए हैं, एक टापू के बीच में फंस गए थे। इस सूचना पे तुरंत लालकुआ पुलिस पहुंचे, मौके पे क्षेत्राधिकारी लालकुआ उन्होंने सीन का निरीक्षण किया। फायर सर्विस और स्थानीय पुलिस की टीम की मदद से इन दोनों ही व्यक्तियों को रेस्क्यू किया गया। ये स्थानीय निवासी हैं जिनका नाम हेमंत और दीपक है, ये किसी काम से गए थे। मौके पे जब पहुंचे हैं तो क्षेत्राधिकारी के नेतृत्व में इस टीम का गठन किया गया जिसमें एक क्षेत्रीय ग्रामीण नवयुवक दीपक के द्वारा और फायरमैन जितेंद्र के द्वारा बहुत शानदार काम किया गया। इन्होंने बहते हुए पानी का जो उफान मार दी थी नदी उसकी परवाह न करते हुए। वहीं उत्तराखंड के रामनगर में अलग अलग नदियों में बारिश की वजह से पानी बढ़ने से 4 युवक फंस गए। इस युवकों को काफी मशक्कत के बाद सुरक्षित निकाला गया। कोसी नदी से बचाए गए युवकों के पास से मछली मारने का कांटा बरामद हुआ है। दोनों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर रही है। उधर लालकुआ में फंसे युवक नदी के उस पार बसे गांव से इस पार आ रहे थे तभी अचानक गोला नदी का पानी बढ़ने से ये फंस गए। शुक्रवार देर शाम 7 बजे के आसपास 2 युवक पंपापुरी समीप कोसी नदी में दिखाई दिए। कोसी नदी का जलस्तर एकाएक बढ़ गया और वो नदी में फंस गए। उन्हें बचाने के लिए आसपास के 2 युवक नदी में गए लेकिन उन्हें देखकर वो लौट आए। आसपास के लोगों की सूचना पर SDM विजयनाथ शुक्ला, CO अब BS भाकुनी, कोतवाल अबुल कलाम, फायर के किशोर उपाध्याय सहित तमाम अधिकारी मौके पर पहुंचे। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए हल्द्वानी से SDRF की टीम को बुलाया गया। 3 घंटे की मशक्कत के बाद आखिरकार दोनों युवकों को कोसी नदी से सकुशल बचाया गया। के दौरान पानी बढ़ गया, पानी बढ़ने के कारण 2 बच्चे वहां फंस गए थे जिन्हें हमारे द्वारा और SDRF की टीम द्वारा राहत। तो वहीं उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में लगातार बारिश हो रही है। इससे जगह जगह पर भूस्खलन की घटनाएं बढ़ रही हैं। कपकोट क्षेत्र में जमीन धंसने के हुए एक भूस्खलन से एक JCB दुर्घटनाग्रस्त हो गई। आपको बताएं कि पिंडर घाटी से बाधियाकोट किलपारा मोटर मार्ग में सड़क निर्माण कार्य के दौरान एक JCB गहरी खाई में गिर गई। इस हादसे में JCB चालक की मौके पर मौत हो गई। गनीमत यह रही कि इस दौरान परिचालक ने जैसे तैसे JCB से कूदकर अपनी जान बचा ली। आपको बता दें कि इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही है। लगातार बढ़ती बारिश के चलते कई जगहों पर भूस्खलन की स्थिति देखने को मिल रही है और लगातार आसपास की जो नदी है वहां का पानी भी तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है जिसकी वजह से लगातार चुनौतियों का सामना प्रशासन को लोगों को करना पड़ रहा है। कपकोट के क्षेत्र बदियाकोट और किलपारा में जो एक निर्माणाधीन रोड में जो है एक JCB मशीन के कल शाम को गिरने की सूचना जो है एक्शन साहब कपकोट के द्वारा आज मुझे बताया गया है और एक उसमें जो ड्राइवर है उसकी डेथ के संबंध में उन्होंने बताया है जिसे बॉडी रिकवर कर ली गई है। और SD उत्तराखंड में 4 धाम की यात्रा के लिए जगह जगह पर प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं और ऐसे में 4 धाम यात्रा खोलने की मांग को लेकर पर्यटन व्यवसायी गंगा पूजन और संतों से आशीर्वाद लेकर पैदल ही देहरादून कूच के निकल पड़े। शनिवार को व्यापारी मुख्यमंत्री आवास का घेराव कर 4 धाम यात्रा और बाजार खोलने समेत कई मांगों को लेकर प्रदर्शन कर ज्ञापन देंगे। शुक्रवार को पर्यटन कारोबार से जुड़े लोग शिवमूर्ति चौक पर इकट्ठा हुए। उन्होंने यहां से जुलूस के रूप में निकालकर अपना प्रदर्शन शुरू किया। इसके साथ ही कई संतों ने 4 धाम यात्रा को शुरू करने के लिए वाले व्यवसायियों को माला पहनाकर आशीर्वाद दिया।
संयुक्त मोर्चा के नेतृत्व में प्रदर्शन के बाद सभी पर्यटन कारोबारी मुख्यमंत्री आवास रवाना हुए। व्यापारियों का कहना था कि चार धाम यात्रा खोलने और उत्तराखंड के प्रवेश के लिए RT-PCR की बाध्यता को खत्म किया जाए। वाले हैं धर्म और आश्रम वाले भी हम लोग हैं, ये लोग आए हैं कि सरकार से मांग करते हैं कि वो चार धाम यात्रा को शीघ्र से शीघ्र खोला जाए और इसमें कोई राजनीति नहीं है और ना राजनीति से संबंध है, ये सिर्फ लोगों का पेट का सवाल है। पिछले साल पर्यटन का जो भी मतलब कोरोना की मार थी, पर्यटन उद्योग ने या टैक्सी इंजन ने या होटलों ने जैसे तैसे झेला, लेकिन इस साल और है कमर टूट गई है। बाकी राज्यों में तीर्थाटन, पर्यटन और बाकी आवागमन के सब साधन उत्तराखंड के विकास नगर पशवादून क्षेत्र में मई से नवंबर तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत सभी कार्ड धारकों को गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों को प्रति यूनिट 5 किलो राशन मुफ्त में दिया जा रहा है और साथ में नगद पैसे का भी राशन वितरित किया जा रहा है। लेकिन कुछ राशन विक्रेता ग्राहकों को भ्रमित कर फ्री राशन दे रहे हैं लेकिन नगद मिलने वाला राशन देने में आनाकानी कर रहे हैं। अक्सर देखा गया है कि राशन विक्रेताओं की मंशा रहती है कि ग्राहकों को नकदी राशन ना देकर उस राशन का कालाबाजारी करने की फिराक में राशन डीलर हमेशा रहते हैं। जब इस बारे में मीडिया के लोगों ने राशन उपभोक्ताओं से जानकारी ली तो उपभोक्ताओं का कहना था कि उन्हें फ्री का राशन तो दे दिया गया है लेकिन सरकार द्वारा उपलब्ध नगद राशन के लिए राशन विक्रेताओं आए दिन टालमटोल करते रहते हैं और राशन उपभोक्ता डीलरों पर यह आरोप लगाया गया है कि हमें यूनिट के हिसाब से राशन से भी कम दिया जा रहा है। ये इस समय जो राशन बढ़ रहा है आपका, एक तो हो गया हमारा रेगुलर NFS अंत्योदय, वो तो हमारा जो है 5 किलो पर यूनिट बांटा जा रहा है, जैसे 2 किलो गेहूँ 3 किलो चावल है और इसी का जो है एक फ्री का भी राशन बांटा जा रहा है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का, इसके तहत भी 3 किलो चावल 2 किलो गेहूँ दिया जा रहा है। इसके तहत बाकी जो स्टेट फूड योजना का SFI राज्य खाद्य सुरक्षा बोलते हैं जिसे, इसके तहत जो है 10 किलो गेहूँ 10 किलो चावल उपलब्ध कराया जा रहा है। लेकिन सर लगातार शिकायतें सुनने में आ रही हैं कि जो फ्री का राशन है वो बांट रहे हैं राशन डीलर और जो पैसे का राशन है वो पैसे वाला राशन नहीं बांट रहे हैं, इस तरह की अनियमितताएं बढ़ती जा रही हैं, इसमें आप क्या? देखो एक्चुअली में ऐसा है कि हमारे जितने भी सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेता है उनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है, दुकान की क्षमता नहीं है। खबर उत्तराखंड के सितारगंज से है जहां पर कच्चा रोड पर दुकानों के बाहर गंदगी का अंबार लगने से दुकानदार काफी परेशान हैं। दुकानदारों का कहना है कि पहले ही कोरोना के कारण उन्हें मंदी झेलनी पड़ी, दुकानदारों को बंद रखना पड़ा तो वहीं अब दुकानों के बाहर नाला बनाए जाने का काम सुस्त पड़ा है जिससे सारा मलबा दुकानों के बाहर ही गिरा पड़ा है। दुकानदारों का कहना है कि हल्की बारिश होने पर दुकानों के बाहर पानी भर जाता है जिससे ग्राहक दुकानों में आना पसंद नहीं करते, ऐसे में कोरोना के बाद प्रशासन के सुस्त रवैये से उनके व्यापार पर काफी असर पड़ रहा है। कि आज हम मारुति सुजुकी के शोरूम के बाहर खड़े हुए हैं जो गाड़ियों का शोरूम है और आप देख सकते हैं यहाँ पे शोरूम के बाहर जो नाले का निर्माण हो रहा था उसका काम पिछले कई दिनों से रुका हुआ है और व्यापारी भाइयों को हमारे बहुत दिक्कत आ रही है। शहर के अंदर जितने भी व्यापारी भाई हैं जिनके आगे नाली खोदी गई है, नाला खोदा गया जिसका निर्माण कार्य बहुत ही कछुआ गति से हो रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कैसे ग्राहक आएगा। पहले ही हमारा व्यापारी भाई कोरोना काल में इतना परेशान रहा, कोरोना काल में मार्केट बंद रही, लगातार व्यापारियों को पिछले वर्ष भी कोरोना काल झेलना पड़ा और लॉकडाउन झेलना पड़ा, तो व्यापारियों की जो समस्या है वो काफी। उत्तराखंड के चंपावत में पुलिस और SOG टीम ने 1,05,000 रुपए के नकली नोटों के साथ सितारगंज के एक युवक को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से 100 और 500 रुपए के नकली नोटों की गड्डियां मिली। पूछताछ में आरोपी हल्द्वानी में एक व्यक्ति ने व्यक्ति से इन नोटों को लाने की बात कबूली है। पुलिस हल्द्वानी के उस व्यक्ति को दबोचने के प्रयास में जुटी हुई है। पुलिस को उम्मीद है कि हल्द्वानी निवासी युवक पकड़ा गया तो नकली नोटों के बड़े गिरोह का पर्दाफाश हो सकता है। CO अविनाश वर्मा ने बताया कि SP के निर्देश पर ITI के पास चेकिंग की जा रही थी। इसी बीच मोटरसाइकिल पर सवार उधम सिंह नगर जिले के सितारगंज के मुख्तार अली को रोका गया और तलाशी लेने पर उसके पास से 1,05,000 रुपए के नोट बरामद किए गए। जांच कराने पर सभी नोट नकली पाए गए हैं। आरोपी को IPC की धारा 488B और 488C के तहत जेल भेज दिया गया है। बॉर्डर की तरफ जो है नकली करेंसी लेकर आ रहा है, इस सूचना पर हमारी टीम द्वारा उस व्यक्ति को पकड़ा गया तो उसके कब्जे से 1,05,000 नकली करेंसी बरामद हुई है। ये व्यक्ति मुख्तार नाम का व्यक्ति सितारगंज का रहने वाला है। इसने बताया कि मेरे साथी नितिन राठौड़ द्वारा मुझे ये करेंसी दी गई है जिसे मैंने नेपाल में किसी अज्ञात व्यक्ति को देना। और इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहे ANB न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।